नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कम्युनिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है और मैं हूं आकाश सिंह। इस वीडियो पर हम इकोनॉमी करंट पर कुछ बात करेंगे और जिस टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे उस टॉपिक का अप्रोच होगा डायनेमिसिटी विद सिंपलिसिटी का, अर्थात डायनेमिसिटी कहने का अर्थ है परिवर्तनशीलता। तो इस विषय के डायनेमिक पार्ट को, उस भाग को जिसमें हमेशा परिवर्तन होता है, वो भाग को जिसमें हमेशा बदलाव देखा जाता है, उसे हम बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, आसान भाषा में समझेंगे, ताकि इस करंट टॉपिक को समझते हुए इस विषय पर भी हमारी समझ काफ़ी मजबूत हो। और इस वीडियो पर जो करंट टॉपिक हमने लिया है वो मूडीज के रेटिंग एजेंसी के बारे में लिया गया है। आप हेडिंग से शुरू कर सकते हैं इस टॉपिक को और हेडिंग आप देखेंगे कि मूडीज कट इंडियास रेटिंग बाय वन नॉच, अर्थात आप इस हेडिंग से ये आभास निकाल रहे होंगे कि भारत की रेटिंग जो है वो गिर गई है, मूडीज ने गिरा दिया है। तो क्या किया है, अर्थात कितना गिराया है, तो उसे अगर आप देखें तो मूडीज इन्वेस्टर सर्विस कट लॉन्ग टर्म सोवरेन रेटिंग फॉर इंडिया फ्रॉम BAA2 to BAA3। ध्यान रखिएगा कैपिटल बी डबल स्मॉल A2 से लेकर कैपिटल बी डबल स्मॉल A3 कर दिया गया है। अब इस इमेज पर जाने से पहले, इसको डिस्कस करने से पहले, हम इस क्रेडिट रेटिंग का शब्द समझ लेते हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखिए, क्रेडिट शब्द आया है क्रेडिबिलिटी से, अर्थात विश्वसनीयता से। मान लीजिए कि अगर मैं किसी से उधार लेता हूँ और वो मुझे उधार देता है, तो उधार के लेन देन के इस आर्थिक व्यवहार पर सबसे महत्वपूर्ण जो भाव आवश्यक है और वह है विश्वास का। जब तक मैं दूसरे व्यक्ति के ऊपर विश्वास नहीं जमाऊंगा कि मैं उधार में ली गई हुई राशि को लौटा दूंगा, तब तक मुझे कोई उधार नहीं देगा। मान लीजिए कि मैंने एक बार उधार लिया, उधार लेने के बाद मैंने समय पर ब्याज चुकाया और समय पर मूलधन चुका दिया, तो उस व्यक्ति का मुझ पर विश्वास बढ़ जाएगा और ये लगातार मैं करता जाऊंगा, अर्थात बार बार उधार लूंगा और बार बार समय से मैं ब्याज और मूलधन लौटाता जाऊंगा, तो उसका विश्वास मुझ पर गाढ़ा होता जाएगा। ये गाढ़ा होता विश्वास मेरी अच्छी रेटिंग बताता जाएगा, अर्थात मेरी रेटिंग बढ़ते जा रही है। तो क्रेडिट रेटिंग मेरी यहाँ पर बढ़ते जाएगी, अर्थात क्योंकि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो उधार में ली गई हुई राशि को समय पर लौटा देता हूँ, तो मुझ पर विश्वास करना बहुत ही आसान हो जाएगा और लोग जब मुझ पर ज़्यादा विश्वास करेंगे तो मेरी रेटिंग बढ़ते जाएगी। अब अगर इस व्यक्ति ने मेरी रेटिंग बढ़ा दी है, मुझ पर विश्वास गाढ़ा कर दिया है, तो कोई और व्यक्ति के पास अगर मैं जाऊंगा, किसी नए व्यक्ति के पास मैं जाऊंगा उधार पे राशि लेने के लिए, तो वो भी मुझे उधार दे देगा क्योंकि उसको पता है कि मैंने इस व्यक्ति के साथ में बहुत ही अच्छा विश्वास दिखाया है। तो इस तरीके से मेरी रेटिंग बढ़ने से मुझे और राशि मिलना आसान हो जाएगा और राशि मुझे ईजिली अवेलेबल हो जाएगा और उस राशि को लेकर मैं कहीं पर निवेश करूँगा और मैं फिर क्या करूँगा, व्यापार करूँगा, अपना लाभ कमाऊँगा। अब अगर भारत को ही अगर आप देखें या भारत को मुझसे रिप्लेस कर दें, तो भारत की रेटिंग अच्छी का मतलब क्या है कि भारत या फिर इंडिया के जितने भी संस्थाएं होंगी या जो सरकारें होंगी, उनको अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं या फिर अंतर्राष्ट्रीय निवेशक काफ़ी आसानी से उधार दे देंगे या फिर भारत में निवेश करने आएंगे, क्योंकि बढ़ता हुआ रेटिंग भारत का एक अच्छा विश्वास दिखाता है निवेशकों को या फिर उधार देने वालों को कि भारत की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी है कि अगर यहाँ पर पैसे डाले जाएँ तो नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। तो इसलिए ये क्रेडिट रेटिंग हमेशा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी देश के लिए या फिर किसी संस्था के लिए। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। और अभी तक हमने ये देखा कि इंडिया की जो रेटिंग है, क्रेडिट रेटिंग है, उसे BAA2 से घटाकर BAA3 कर दिया गया है। तो अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे तीन रेटिंग एजेंसीज आपके सामने में रखे हुए हैं, मूडीज, S&P और फिच। लेकिन यहाँ पर जो डिस्कशन हमारा होने वाला है वो मूडीज पर आधारित है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इंडिया की रेटिंग BAA2 से हटाकर BAA3 पर कर दी गई है, अर्थात एक रैंक नीचे कर दिया गया है। और जैसे ही ये एक रैंक नीचे कर दिया है, इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ आप समझ रहे होंगे कि BAA3 इज़ द लोवेस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड, अर्थात अब इसके नीचे अगर इंडिया की रेटिंग जाएगी तो इंडिया उस पायदान पर पहुंच जाएगा जहां पर लोग निवेश करने से बचेंगे। आप यहां पर देख रहे होंगे कि जब लोअर मीडियम ग्रेड पर आप पहुंचे हैं BAA3 पर, तब आप देख पा रहे हैं कि सबसे आखिरी पायदान पर पहुंच गया है भारत उस स्थिति पर जहां पर निवेश करने लोग आएंगे। और जैसे ही BAA3 से घटकर
BA1 पर पहुंच जाएगा तब ये इस श्रेणी पर पहुंच जाएगा, नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड पर पहुंच जाएगा, अर्थात ये उन देशों की श्रेणी पर पहुंच जाएगा भारत, जहां पर लोग निवेश करने से बचेंगे या फिर भारत की ये रेटिंग दुनिया वालों को, निवेशकों को, उधार देने वालों को दिखाएगा कि इंडिया अब डिफॉल्ट करने वाला है या इंडिया में अब लाभ नहीं मिलने वाला है और इंडिया में निवेश ना किया जाए ही तो ही बेहतर है। अब दिस मीन्स इंडिया इज जस्ट वन नॉच अबाउ द नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड और जंक ग्रेड। तो इसे आप समझ रहे होंगे कि जस्ट एक रैंक ऊपर है इंडिया जहां पर नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड आपको दिख रहा होगा। अब अगर आप समझें कि क्या हमेशा से भारत की स्थिति ऐसे थी, तो नहीं, BAA2 तक कर दिया गया था 2017 नवंबर में। चलिए इसके बाद एक बहुत ही बेसिक चीज़ पर आते हैं कि अगर लोग हमको पैसे नहीं देंगे, अगर हमारे पास पैसे नहीं आएंगे, भारत में निवेश नहीं होगा, या फिर इस मूडीज़ की रेटिंग के गिर जाने से भारत पर किस प्रकार का प्रभाव होगा, ये समझने के लिए हम इस पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, अगर भारत में निवेश नहीं होगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो व्यापार वर्ग है या फिर वह वर्ग जो उत्पादन करता है, वह अपने उत्पादन पर कुछ प्रभाव डालेगा और अपने उत्पादन को गिराने लगेगा। और अगर भारत देश में अगर उत्पादन गिरने लगेगा तो हमारे देश की वह जनसंख्या जो श्रम बाज़ार का हिस्सा बनती है, अर्थात कार्यशील जनसंख्या, उम्र के हिसाब से आप समझ सकते हैं 15 से 59 आयु वर्ग वाले समूह जो इस देश में उत्पादन में अपनी भागीदारी देते हैं, उनके रोज़गार पर भी हमें प्रभाव देखने को मिलेगा और बेरोज़गारी की समस्या देखी जा सकती है, जिससे एक बहुत बड़ी संख्या की आय कम होने लगेगी। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा वर्ग जो हाउस होल्ड है, उनकी आय कम हो जाने से वो गरीब हो जाएंगे। गरीबी में व्यक्ति अपने खर्च कम करता है, अपने ज़रूरत की वस्तुओं को नहीं खरीदने लगता, अर्थात उपभोग या कंजप्शन कम करने लगता है और बाज़ार में हमें मांग कम होता हुआ दिखेगा। और अगर वस्तुएं नहीं बिकेंगी तो वह जो वर्ग था जिसने वस्तुओं का उत्पादन किया था, उसे भी लाभ नहीं मिलेगा। आगे कहानी कुछ ऐसे बढ़ेगी कि अगर लोगों की आय नहीं हुई है तो बैंकों में बचत भी वो नहीं करेंगे, और हमारे वित्तीय संस्थाओं के पास अगर राशियां नहीं हुई तो निवेश के लिए आगे वो पैसे नहीं बढ़ाएंगे, अर्थात निवेश दोबारा से गिरने लगेगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि गिरते हुए निवेश के कारण ही निवेश पुनः गिरने लग गया। अब क्या कहानी सिर्फ यहीं तक रुकेगी? क्या कहानी सिर्फ निवेश के गिरने, रोजगार के घटने, उत्पादन के गिरने और गरीबी तक ही सीमित रहेगी? तो इससे आगे भी कहानी बढ़ती है और आगे कहानी कुछ ऐसे बढ़ेगी कि अगर लोगों की आय नहीं हुई तो सरकार की आय भी नहीं होगी, अर्थात सरकार को कर में राशि नहीं मिलेगी क्योंकि लोगों के पास में पैसे नहीं हैं। अगर उनकी आय नहीं हो रही है तो आय कर नहीं चुकाएंगे, और अगर वस्तुओं को नहीं खरीद रहे हैं, उपभोग नहीं कर रहे हैं, तो फिर अप्रत्यक्ष कर जैसे GST भी सरकार को नहीं प्राप्त होंगे और सरकार की आय कम हो जाएगी, जिससे सरकार एक अलग समस्या का सामना करेगी। और वह ये है कि या तो सरकार को अपने खर्च कम करने पड़ेंगे, और अगर सरकार अपने खर्च कम करती है तो पुनः वो आधारभूत संरचनाओं का निर्माण नहीं होगा जिसके सहायता से हमारे देश में उत्पादन होता है, या फिर सरकार को अगर अपने खर्चे बराबर रखने होंगे तो सरकार को कर्ज लेना होगा और उससे एक अलग समस्या की कहानी शुरू हो जाएगी। आगे अगर हम बढ़ें तो लोगों की आय ना होने से आयात में भी कमी आएगी, अर्थात अब हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव पड़ने लगेगा। आयात का कम हो जाना, आप अगर समझते होंगे कि वस्तुएं कम आएंगी तो ये एक सकारात्मक पहलू आप कुछ मायनों पर कह सकते हैं, लेकिन आयात में सिर्फ वस्तुएं नहीं आती, आयात में अच्छी टेक्नोलॉजी भी हमारे देश में आती है। इस अच्छी टेक्नोलॉजी को हम अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों से अपने देश में लाते हैं और अपने वस्तुओं को उच्च गुणवत्ता वाले मानक तक लेकर जाते हैं, जिससे हमारे वस्तुओं की मांग बाहर बढ़ती है और हमारे निर्यात भी बढ़ते हैं। लेकिन अगर आयात नहीं होगा तो निर्यात कम होगा और उत्पादन पुनः गिरेगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि अगर रेटिंग एजेंसियां हमारी रेटिंग कम करती हैं, अगर अपने रेटिंग के माध्यम से वो ये बताती हैं कि हमारे देश पर विश्वास नहीं किया जा सकता अभी क्योंकि अभी हमारी आर्थिक स्थिति खराब है, तो लोग हम पे पैसे नहीं लगाएंगे क्योंकि उन्हें लाभ यहाँ पर कम अर्जित होता हुआ दिखेगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि क्या प्रभाव पड़ेंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं ये देखने के लिए कि आखिर ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडी ने हमारी रेटिंग गिराई क्यों, ये रेटिंग गिराया क्यों गया। तो उसके पीछे कारण
दो प्रकार के हैं। एक तो जो ग्रोथ फोरकास्ट अभी पर हुआ है, अभी पिछले वीडियो पर आप देख रहे होंगे कि 11 साल के निचले स्तर पर वृद्धि दर देखी गई है भारत की वर्ष 2019-20 के वित्तीय वर्ष के लिए। तो एक तो आपका ग्रोथ प्रोजेक्शन वाला मामला है और दूसरे अन्य कुछ मुद्दे हैं यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। तो अब सबसे पहले अगर आप मूडीज़ की बात करें तो अकॉर्डिंग टू मूडी इंडियाज रियल जीडीपी ग्रोथ रेट विल कॉन्ट्रैक्ट बाई 4% इन 2020-21। अर्थात ये जो वित्तीय वर्ष अभी हम देख रहे हैं उसमें हमारी जीडीपी पूरे साल भर में 4% रहेगी। और ऐसा क्यों होगा? तो ड्यू टू शॉक फ्रॉम द कोरोना वायरस पेंडेमिक एंड रिलेटेड लॉकडाउन मेजर्स, अर्थात कोरोना महामारी और इसके कारण जो लॉकडाउन के यहाँ पर कदम उठाए गए हैं उस वजह से हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट डाउन होने वाली है। एंड इट एक्सपेक्ट्स द इकोनॉमी टू ग्रो 8.7% नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड क्लोजर टू 6% इन द सब्सिक्वेंट ईयर। तो आने वाले साल के लिए यहाँ पर अच्छी ग्रोथ रेट यहाँ पर दिख रही है, लेकिन इस वित्तीय वर्ष पर हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट कम रहेगी, ऐसा मूडीज ने अनुमान लगाया है। अब अगर ग्रोथ रेट कम हो रही है इसका क्या अर्थ है कि उत्पादन कम हो रहे हैं, उत्पादन कम हो रहे हैं अर्थात बाजार में मांग कम है। तो मांग कम है तो हमारे यहाँ पर निवेश कोई करेगा नहीं। तो ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर जीडीपी की ग्रोथ रेट कम बताई जा रही है तो रेटिंग हमारी डाउन होगी, अर्थात रेटिंग ये बताएगा कि इधर विश्वास नहीं कर सकते, इस देश पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर मांग कम हो जाने से जीडीपी गिर रही है। और अगर यहाँ पर निवेश करेंगे, अगर यहाँ पर उधार देंगे तो भाई लाभ नहीं मिलने वाला, क्योंकि मांग कम है तो रेटिंग क्या हो गई, गिर गई। तो ग्रोथ रेट पर अगर हमें कुछ नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है तो समझ लीजिए कि रेटिंग हमारी दिक्कत में जा सकती है। और ये तो हो गई मूडी का अनुमान, लेकिन अभी हमने खुद भी देखा है जो हमारे देश में रिपोर्ट आया है वो ये है कि इंडियाज जीडीपी ग्रोथ स्लिप्ड टू एन 11 ईयर लो ऑफ 4.2% इन 2019-20। द फिस्कल डेफिसिट आल्सो एक्सपांडेड टू 4.6% ऑफ द जीडीपी एज अगेंस्ट रिवाइज एस्टिमेट ऑफ 3.8% ऑफ जीडीपी। इसका अर्थ ये है कि हमारे देश की जीडीपी 11 साल के बाद सबसे निचले स्तर पर 4.2% पर आकर रुक गई है 2019-20 में। और साथ ही साथ सरकार का जो राजकोषीय घाटा है, राजकोषीय घाटा सरकार का अगर आपको आसान भाषा में समझना हो तो आप ये समझ सकते हैं कि सरकार जितना उधार लेती है या फिर अपने ऊपर जितना देयता का सृजन करती है उसे हम फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा कहेंगे। इन सारे चीज़ों को, स्टैटिक पार्ट को आप और अच्छे से एक बार याद जरूर कर लेंगे, ना समझ में आए तो मोबाइल कोर्स पर जाकर इस टॉपिक को जरूर पढ़ लेंगे। अब अगर आगे बढ़ते हैं तो अदर इश्यूज़ पर आते हैं। तो सबसे पहले क्रेडिट क्रंच। देखिए क्रेडिट का क्रंच है, अर्थात क्रंच आप समझ सकते हैं कमी को, तो क्रेडिट ही नहीं है, लोगों के पास पैसे ही नहीं है कि लोगों को उधार दें। अदर इश्यूज़ पर अगर आप आए तो हाई डेट बर्डन। देखिए सरकार को इस कोरोना महामारी से निकलने के लिए अर्थव्यवस्था पर बहुत ज़्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं, लेकिन सरकार के पास आय नहीं हो रही है क्योंकि लोगों की नौकरियां जा रही है, उत्पादन कम हो रहे हैं। और अगर लोगों की आय नहीं हो रही है तो सरकार की आय अर्थात कर वसूली भी नहीं होगी, लेकिन सरकार को खर्च ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो एक आय कम हो रही है और खर्च अगर ज़्यादा है तो फिर क्या करना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो उधार का भार होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। अगला जो यहाँ पर कारण देखने को मिलता है वो लोअर टैक्स रेवेन्यू, अर्थात वही कि लोगों के पास में पैसे ना हो जाने से सरकार को कर राजस्व नहीं प्राप्त हो रहा है। एक अन्य कारण जो यहाँ पर बताया गया है वो ये है कि सरकार के जो कदम हैं सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए वो पर्याप्त नहीं दिख रहे हैं, अर्थात सरकार के जो कदम हैं इस कोरोना महामारी के कारण गिरती हुई अर्थव्यवस्था या गड्ढे में जा चुकी अर्थव्यवस्था को निकालने के वो पर्याप्त नहीं दिख रहे हैं। और इस कारण से इस अर्थव्यवस्था पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता, इसलिए इसकी रेटिंग गिर गई ये मूडीज़ के द्वारा। देखिए ध्यान रखिएगा, क्या रेटिंग एजेंसी जब भारत की रेटिंग गिरा देगी तो क्या हमारे यहाँ निवेश नहीं ही होगा? तो ध्यान रखिएगा कि ऐसा भी हमेशा संभव नहीं है। निवेशकों के ऊपर ये डिपेंड करता है कि निवेशक इस रेटिंग एजेंसी के जो पैरामीटर हैं उसको कितना सही मानते हैं, कितना विश्वास करते हैं, सरकार पर कितना विश्वास करते हैं और उस हिसाब से निवेश करते हैं। लेकिन ये काफ़ी प्रतिष्ठित और प्रमाणित रेटिंग एजेंसियां होती हैं, इस कारण से इनका रेटिंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी भी देश के लिए और किसी भी कंपनी या संस्था के लिए। तो ठीक है, इसके साथ ही
आशा है कि ये आपको समझ में आ चुका होगा कि ये रेटिंग का अर्थ क्या है, क्रेडिट रेटिंग का अर्थ क्या है और भारत की रेटिंग गिराने का अर्थ क्या है, भारत किस पायदान पर पहुंचा और इस गिरते हुए पायदान के कारण भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या नकारात्मक प्रभाव दिख सकता है। इसके साथ ही वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन उसके पहले आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।